हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले जुबिरोज ए कैप्सूल के बारे में। जुबिरोज ए कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने का यूज करता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालेगा और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोजेंस कितना होना चाहिए। तो जुबिरोज ए कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं जुबिरोज ए कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें, उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास कैप्सूल है उसकी एमआरपी 92.50 यानी कि 92 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। जुबिरोज ए कैप्सूल को एलकम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जुबिरोज ए कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है एस्पिरिन 75 mg प्लस रोसुवास्टेरिन 10 mg इसके अंदर डाले गए। जुबिरोज ए कैप्सूल का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव और रोकथाम के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कैप्सूल का इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। जुबिरोज ए कैप्सूल का इस्तेमाल दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDLs और ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फैट के लेवल को कम करती है। इसके अलावा ये ब्लड के थक्के के निर्माण को भी घटाता है। जुबिरोज ए कैप्सूल का डोज से डोसेंस की बात करें, इसका डोज से डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज से डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज से डोसेंस अपने डॉक्टर की देर में इस्तेमाल करिए। जुबिरोज ए कैप्सूल के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मछली आना, हेडेक होना, कब्ज होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जुबिरोज ए कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देर में इस्तेमाल करिए। जुबिरोज ए कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क जुबिरोज ए कैप्सूल। जुबिरोज ए कैप्सूल के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि रोसुवास्टेरिन और एस्पिरिन, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोकता है। रोसुवास्टेरिन एक लिपिड कम करने वाली दवाई है, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स बनाने वाली एंजाइम्स को रोकती है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल्स यानी कि LDLs और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स यानी कि HDLs को इंक्रीज करती है। एस्पिरिन एक नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID है। ये दवा एंटी प्लेटलेट्स एक्शन होता है, ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है और ये ब्लड के हानिकारक थक्के बनना कम करती है। जुबिरोज ए कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करिए। अपने मन से जुबिरोज ए कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। जुबिरोज ए कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताइए। जुबिरोज ए कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।